ये है पहाड़ी अंगूर से बड़ा टॉप क्या देखा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग ऑन दिस माय चैनल जोसे इंडियन एक्स वाई जेड। और आज जो है हमारे घर में है पूजा, एक छोटी सी पूजा रखी हुई। थोड़ी सी धूप हल्के से तेज है, बाकी और क्या ही बताएं, क्योंकि कभी भी यहाँ बारिश हो जाती है, इतना अच्छा मौसम और एकदम हरा भरा, और यहाँ पे इतनी अच्छी सी धूप आती है, तो उससे थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि यहाँ गर्मी नहीं रहती। तो गाइस, मेरे पीछे का जो व्यू देख रहे होंगे कितना प्यारा सा लग रहा है। हम मेरे पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये उठा हुआ है इतना सा जो है, हम लोग यहाँ पे बचपन में इस तरह से कूदा करते थे, मतलब कि उस तरह से ऊपर से नीचे खेत में कूदा करते थे। यहाँ से जो व्यू पीछे का आप देखे होंगे, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मेरे सामने जो एक टावर है ना, तो उस टावर की मैं कहानी बताऊँगा। उसमें मतलब कि जब ये बना था तो हम तो छोटे थे ही, लेकिन हम लोग मस्ती इतना किया करते थे कि उस पर हम लोग इतना चढ़ जाते थे, इतने टॉप पे कि वहाँ पे अभी तक कोई गया भी नहीं होगा। तो वो ऊंचाई बस दिखाता हूँ आपको टावर की, सामने का जो ये बड़ा सा टावर आप देख रहे हैं ना, इस पर हम लोग जब चढ़ते थे तो तकरीबन हम लोग एक डेढ़ घंटा जो है हम लोग इधर रुकते थे। जो ये इसका टॉप व्यू है इधर पे, ये वाला जो बैठने वाला एक बना हुआ है ना, यहाँ पे ट्रायंगल पे जो है, यहाँ पे बीचों बीच यहाँ पे जाके हम लोग बैठ जाते थे। तो शाम के टाइम पे हम लोग का वो डेली का रूटीन होने लग गया था कि जो है हमको चढ़ना है ऊपर, और ऊपर जाके हमको बैठ जाना है यहाँ पे, और यही चीज़ हम लोग लगातार करते थे। उसके बाद जब टावर स्टार्ट हो गया तो फिर उसके बाद जाना बैन हो गया। यहाँ पे गाने की ऊपर से आवाज़ आ रही है, तो वहाँ पे आज शादी है, एक लड़की की शादी है, तो दिन की ही शादी है, और आज जो है दो पार्टियाँ हैं, तो वहाँ भी ले चलेंगे आप लोग को, फिर मिलाते हैं उन सबसे, उसके बाद फिर चलते हैं। और आ गए हमारे ताऊ जी भी, अभी हम आए हैं यहाँ फूल तोड़ने के लिए, हमको फूल नहीं मिल रहा। और ये है, अरे वाह, हमको मिल गया यहाँ पे अंगूर का पेड़। अंगूर दिखाता हूँ अभी, छोटे छोटे, लेकिन ये जो अंगूर ना बिया वाला अंगूर होता है, तो ये है अंगूर सामने दिख रहा है। सो गाइस, ये है पहाड़ी अंगूर, जैसे कि आप ये वाला देख रहे हैं अंगूर किस तरह से है ये चीज़। और ये अभी बहुत छोटे हो रखे हैं, बहुत छोटे छोटे अंगूर हो रखे हैं। हमको चाहिए यहाँ पे फूल, और हमको मिला है अंगूर, तो हम ले जाएंगे इतना सा अंगूर, और बाकी देखते हैं। बाकी यहाँ गुच्छा लगा हुआ है, अभी शायद पक्का तो कोई ऐसा भी नहीं है, ये भी कच्चा है। की कमी है उतना, मतलब लगे तो हैं पेड़, लेकिन इस बार हुए नहीं है। आधा तो जो है बारिश में गिर गए, और आधा जो है ये कि अभी हुए नहीं है। जैसे ये वाला बहुत बड़ा सा होता है ना, फूल खिलता है बड़ा सा, तो बारिश होती गिर जाता है। वैसे अभी हम पहुँच चुके हैं मंदिर में, तो अब आपको मंदिर दिखाता हूँ। और यहाँ पर इस समय तैयारी हो चुकी है मंदिर में पूजा की, और इस तरह से अब यहाँ पे रख चुके हैं बतासे, यहाँ पे पानी और ये सब। हम पूरी चीज़ें नहीं लेके आए, मतलब छोटी छोटी चीज़ें ही लेके आए हुए हैं। और ये रहा मंदिर। सो गाइस, मैंने पहन रखी है अभी पहाड़ी टोपी, तो बताओ कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो बताओ, या वरना दूसरा चेंज करके दिखाता हूँ ये वाली कैसी। ये वाली टोपी है एकदम काली वाली, तो इसमें अच्छा लग रहा है कि वो काले वाले में। तो ये और जो ये चीज़ है यहाँ पे, कुमाऊँ पहाड़ के रंग, और यहाँ पे कुमाऊँ टोपी इस तरह से, और ये मम्मी मेरे साथ। सो गाइस, आज हमारे घर पे आए हुए हैं छोटे पंडित जी, और पंडित जी से मिलाते हैं थोड़ी देर में, बस 5 मिनट के अंदर वो आ जाएंगे, तो फिर मिलते हैं आपको, पंडित जी से मिलाते हैं थोड़ी देर। सो गाइस, आ चुके हैं हमारे घर में पंडित जी और भी। सो गाइस, हो चुकी है अभी पूजा, और यहाँ पे बस प्रसादी भी बैठेगी थोड़ी देर में, यहाँ पे प्रसादी भी बैठेगी, तो उसके बाद फिर चलेंगे प्रसाद बांटने के लिए। अभी हम चल रहे हैं ऊपर शादी में, जो ऊपर एक लड़के की शादी है, तो वहीं चल रहे हैं। बारात तो आ चुकी है, वैसे आज दिन की शादी है, यहाँ अधिकतर आप दिन में शादी करवा रहे हैं, क्योंकि रात को क्या हो जा रहा है कि दिक्कत हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा जो है घना अंधेरा भी होता है, और ऊपर से इस समय इतने सारे केस चल रहे हैं कि कहीं गाड़ियाँ गिर रही हैं, कहीं मैक्स गिर रहे हैं, कहीं प्राइवेट गाड़ियाँ, कहीं जैसे भी हो, मतलब कि एक्सीडेंट हो ही जाता है, खाई में गाड़ी गिर जा रही है, तो वही चीज़ यहाँ पे ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पे अधिकतर लोग जो है रात की शादियाँ कैंसिल करते हैं अपनी,
और दिन में जो है करवा लेते हैं, क्योंकि दिन में आराम से आइए जाइए कोई दिक्कत नहीं और आराम से शादी वगैरह कीजिए। तो अभी हम यहाँ पहुँचे चल रहे हैं हम चाचा जी और हम हमारे चाचा जी चलते हैं सीधे मिलते हैं ऊपर, ऊपर से व्यू दिखाते हैं थोड़ा बहुत। तो ऐसे भी हम पहुँच चुके हैं आधे रास्ते में और मेरे पीछे देख सकते हैं और वो रहा मेरा घर पीछे एकदम आगे तरफ, और घर के जस्ट पीछे मेरे पूरा घना जंगल है और यहाँ से हम लोग इस चढ़ाई में चढ़ते हुए चल रहे हैं। चढ़ाई मतलब कि ढलान देख सकते हैं किस तरह से है नीचे से ऊपर की तरफ, और यहाँ पे हमको जाना है शादी में एकदम उस तरफ आगे। अब देखिए धीरे से सीढ़ी वाला खेत हल्का हल्का यहाँ पे है, दिख रहा होगा हल्की हल्की सीढ़ियाँ जैसे खेत हैं, छोटे छोटे खेत हैं, ज़्यादा बड़े बड़े भी नहीं है चौड़े भी नहीं है एकदम से, इस तरह से एक छोटा सा है फिर इतना है फिर इधर है ऐसे ही, और ये पूरा घना जंगल। सांस फूलने लगी है मेरी, एक तो आदत भी नहीं पड़ी, और जब हम पहले आते थे एकदम दौड़ दौड़ के जाते थे दौड़ के आते थे इससे। वो देखो हल्का फुल्का टेंट दिख रहा है ना, यहीं पे इसी घर में चलना है, अभी पहुंचेंगे यहाँ से भी फिर 10 मिनट और लगेगा, दिख तो रहा है इतना नज़दीक, लेकिन चढ़ाई देखिए किस तरह से चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, ये चढ़ाई है और सांप की तरह यहाँ पे रास्ते हैं, पीछे देख सकते हैं कितना गहराई होगी, ऊपर की तरफ चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। जहाँ से हम आए थे अभी पूरा घना जंगल दिख रहा है यहाँ पे, ऐसी लाइफ है यहाँ पे, कुछ भी अगर सामान भी लाना होता है तो इसी रास्ते से बहुत लोग लेके आते हैं, और ये मुझे मिला है, इसको कहते हैं यहाँ पे गेटी, शायद गेटी यहाँ। तो इस पर क्या होता है कि जैसे वही चीज़ है शैम्पू साबुन और क्या बोलते हैं कपड़े धुलने वाला, इसी से जो है बनाया जाता है, इसको मिलाया जाता है उस केमिकल में, तब जाके अगर हम इसको डायरेक्टली इससे लगाएं ना डायरेक्टली इसको घिस के लगाएं मजबूत भी हो जाएंगे, मजबूत के साथ साथ मुलायम भी। तो यहाँ पे मिल जाता है, पहुँच गए अभी और टाइम लगेगा। सो गाइस पहुँच चुके हम, बस थोड़े ही ऊपर और है, ये रहा टेंट लगा हुआ है, इसी टेंट में पहुंचने वाले हैं, अगर ब्लॉग बना पाए तो बनाया जाएगा। यहाँ से पहले व्यू देखें, यहाँ का व्यू किस तरह से है। तो अब चलते हैं मिलते हैं ऊपर, लिखा जा रहा है दान, पानी की व्यवस्था यहाँ पर है और शादी उधर घर पे हो रही है इस घर के पीछे तरफ, और यहाँ से इधर सुबह हो चुका है हमारा खाना, और ये रहा अब जो टेंट पूरा खाली हो गया, पहले से इतना भरा पड़ा था अब पूरा खाली हो गया। ये हैं सोनू भाई यहाँ पे रसगुल्ला बांट रहे हैं छुपे छुपे, और ये लिखो दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ के शादी। वरमाला के लिए लेके जा रहे हैं ऊपर बैठाने के लिए, वहीं पहुँच गए इधर, अरे अरे सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे देखने के लिए, और ये बैठ गई आ गई। चल रहे हैं क्योंकि हो रहा है हमको लेट, अब चल रहे हैं यहाँ से क्योंकि अब हो जाएगी लेट। वैसे भी हम निकल रहे हैं यहाँ से और पहुँच रहे हैं दूसरे क्षेत्रपाल के दूसरे क्षेत्रपाल के दूसरे वाले क्षेत्रपाल में, मतलब एक क्षेत्रपाल तो इधर रहा और दूसरा वाला इधर से नीचे की तरफ, और मैं अभी हूँ एकदम घने जंगल की तरफ नीचे की तरफ, आप देख रहे होंगे पूरा घना जंगल और आगे पूरा इस तरह से भरा पड़ा है पूरा पेड़ों से, जैसे देख सकते हैं ये है पूरा चीड़ का पेड़ इतना खतरनाक, इस तरह से है नीचे की तरफ ढलान और ये ऊपर की तरफ से अभी मैं आया था, इधर से मैं अभी नीचे की तरफ आया और अब चल रहे हम सीधे उधर की तरफ, और इसमें मेरे पैर फिसल रहे हैं जो ये
है ना। चीड़ का पत्ता जैसे जूता यहाँ के लायक है नहीं, ये जूता ऐसे फिसल रहा है इस पर, ये भी दिक्कत रहती है यहाँ चलने में। अगर आप इस पर दौड़े तो भैया बचोगे नहीं, सीधे नीचे मिलोगे, वो भी नीचे कहाँ, उधर नीचे की तरफ। देखते हैं इधर कौन है और मिलते हैं किसी न किसी से, अगर मिल गए तो अच्छी बात है, वरना हम इधर पहुँचे हैं क्षेत्रपाल के पीछे वाले रास्ते में। अभी बजे हैं दिन के 2, तो अभी सब लोग सो भी रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दिन में आज जो है थोड़ी धूप मुझे तेज़ लग रही है, और बाकी इतनी भी तेज़ नहीं है कि आप घूम ना सको। तो यहाँ पे कुछ लगे हुए हैं यार, आलू को लगे हुए हैं, खाओगे तोड़ें क्या? यह है पहाड़ी पेड़, यहाँ आलबुखोर जिसको बोलते हैं, ये गिरे हुए हैं, पोलम टाइप का शायद, पोलम खा रहे हैं, उनको बड़ा खट्टा है यार, देखता हूँ कोई देखे ना। ये लगे हुए हैं एकदम हरे भरे, ये शहरों में नहीं मिलता, मैं यहीं पहाड़ों में अधिकतर होता है, खट्टा बहुत है। 2-4 कच्चे मिल रहे हैं, कच्चे तोड़ ले जा रहा हूँ मैं बस, अब जिस दिन जाऊँगा उस दिन तोड़ूंगा। इधर भी कोई है नहीं, दरवाज़ा खुला हुआ है, अभी कोई नहीं रुका हुआ है, दरवाज़ा खुला है और यहाँ पे कोई है भी नहीं। सोच रहा हूँ मैं ऊपर थोड़ा ऊपर की तरफ थोड़ा मिल के आता हूँ, अगर कोई दिख गया तो सही है। अब इधर कोई नहीं रह रहा, इस वाले में रहते हैं, इसमें अभी कोई नहीं रह रहा। और अब देखो सामने का व्यू, वो आ रखी है सड़क, सामने दिख रहा है, जब मैं था तब ये सड़क नहीं बनी हुई थी। हम जा रहे हैं ताऊ जी के घर पे, एक बार वीडियो में बोले थे ना उनके साथ, उन्हीं के घर पे जा रहा हूँ। खड़ी चढ़ाई आ गई, सबसे ज़्यादा यार मुश्किल यही है में चढ़ना, पूरे पैर की एड़ी में दर्द हो गया मेरे। और ये है ताऊ जी का घर, ये है और ये है, ये दोनों पहले ताऊ जी का ही घर था, ये और ये। अब जो है नीचे रहने लगे ना, इतने ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। अभी भी यहाँ पे लग रहा है कोई गाय भैंस बांधता है इधर, या इधर रहते हों, पूरा बंजर हो जाता है घर। ऐसे ही हमारा भी हो जाता अगर हम छोड़ देते तो। इधर जो है भूसा वगैरह रखा हुआ है पीछे की तरफ, और यहाँ से व्यू देखो कितना खूबसूरत आ रहा है। और ये मधुमक्खी का छत्ता, तो थोड़ा और ऊपर चलते हैं। देखो यार बाद में आ सके कि ना आ सके, अभी जो है बारात के बहाने से आ गए, और बारात मैंने देखी भी नहीं क्योंकि हमको ये सारे पॉइंट देखने थे। और इधर हम पहुंच गए ताऊ जी के घर के पीछे की तरफ, मुझे लगता है इधर कोई है घर और हैं ऊपर, अगर वहाँ कोई मिल गया अच्छा तो उनसे पानी ले लेंगे, हम पानी पी लेंगे। और वो देखो बारात वाली गाड़ी इधर आ रखी है, ये सड़क यहाँ तक आ गई भाई, हमें लगा सड़क मैंने मतलब ये वाली नहीं देखी जो पीछे की तरफ से आई है, तो हम अभी यहाँ पहुँच गए। इसमें देखो यहाँ पे गाय भैंस बांधते हैं, अंदर होगी गाय भैंस, और ये स्टोर किया हुआ है। थोड़ा और ऊपर चलते हैं, बाकी थक गया हूँ मैं अच्छे से, फिर चढ़ाई यार। सो गाइस पहुंच चुका हूँ मैं एकदम टॉप पे, टॉप पे क्या तुम लोग बोलोगे, मेरे पीछे घर है ना, लेकिन दिखाऊं ये देखो, अब इससे बड़ा टॉप क्या दिखाऊं, ये चीज़। अभी मेरा पसीना आ गया इतने ऊपर चढ़ के, तो हम भी अब चलेंगे घर की तरफ, यहाँ पर कोई है ही नहीं तो अब क्या करें। यहाँ तक देखो सड़क आ गई, ये सड़क पहले नहीं थी यहाँ पे, और जिस पहाड़ पे चढ़ने की बात कर रहा था ना मैं, अब वो तकरीबन आधे घंटे के रास्ते की दूरी पर है, मतलब कि वो सामने ये वाला पहाड़ जिसको मैं चढ़ने की बात कर रहा था, और अभी तक प्लान बना नहीं है मेरा। एक बार फिर से यहाँ का व्यू देखो और फिर चलते हैं, ठीक। तो हम चल रहे हैं यहाँ से नीचे की तरफ, ये यहाँ से नीचे की तरफ ये लगे हुए हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, अनार, छोटे वाले अनार हैं, पहाड़ी अनार। और ये लगे हुए आम, कच्चे आम हैं अभी, और इसके नीचे केले का पत्ता,
और ये लगे हुए आड़ू, आड़ू कच्चे हैं अभी, ये कच्चे हैं यार, बहुत कच्चे हैं। और नीचे की तरफ देखो ये है नाशपाती का पेड़, बड़े बड़े इस पर अभी तो नाशपाती हो रखे हैं, छोटे छोटे अभी, बड़े नहीं छोटे। और वैसे भी मिले हैं हमको दादाजी, तो ये दादाजी का घर है जो पीछे वाला देख रहे हैं, और इन्हीं से हम अभी मिले अचानक में, अभी चलते चलते तो हमने कहा मिल लेते हैं एक बार, बात कर लेते हैं, फिर चलते हैं ऊपर की तरफ, कुछ लोग ऊपर भी हैं उनसे बात करते हैं। दादाजी के चप्पल लेने के लिए पता नहीं कहाँ गए, पता है मेरे साथ बिना चप्पल के चलने लग गए थे, बिना चप्पल के बोल रहे थे चलो मेरे साथ। अब मैंने कहा कि यार पहले चप्पल पहन लीजिए उसके बाद फिर चलते हैं साथ में, और क्या है कि नहीं। दादाजी को चप्पल नहीं मिले, देखो मेरे साथ बिना चप्पल के चल रहे हैं, मैंने कहा ऐसे चलेंगे बिना चप्पल के। अरे देखो अचानक से रास्ते के बाद फिर घर बारात में गया था ना उधर, अब बैंड बाजा अब बज रहा है, पहले बजाओ तो वीडियो रिकॉर्ड हो जाता। अब मुझे लग रहा है बारात अब तैयार होने लग गई जाने को, क्योंकि उधर थी बारात जो उधर पे बज हल्का फुल्का दिख रहा है ना, उधर पेड़ के पीछे नीला नीला वही वाले घर पे बारात थी, वहीं से हम आ रहे हैं पैदल पैदल। अभी हम जा रहे हैं दादाजी के साथ, वरना हम रुकते यहाँ पे जैसे इनके इनके घर पे रुकते आते और फिर चाय वाय पीते फिर मिलाते सबसे। तो अभी तो सब गए होंगे मेरे ख्याल से बारात में। और ये चलो मस्त व्यू लग रहा है ना यहाँ पे, और ये रुपाई के लिए रखा गया है यहाँ पे, रुपाई होती है ना उसके लिए। और ये देखिए हाँ दादाजी को भी लग रही है थकान, एक तो बिना चप्पल के आ गए हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। और ये पाइप गया हुआ है यहाँ से ऊपर टैंकी में, और ये पाइप जो है नदी से आया हुआ है, मतलब कि नदी से पंप करके सीधे आता है टैंकी में भरता है फिर पानी आता है, और आजकल पानी आ भी नहीं रहा है, नदियाँ एकदम सूख गई है, तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है पानी की, वरना पानी की पूरी व्यवस्था रहती है, आप खोद के पानी नहीं निकाल सकते। चलिए दादाजी मान तो गए, थोड़ा देर रेस्ट कर लेंगे फिर उसके बाद मिलते हैं आपको। सो ये आए हम अभी मनीष के घर में, और ये एक डॉगी ये रहा आगे, अभी घूर रहा था अब डर रहा है, और एक ये रहा, देखो अच्छा लग रहा है, ऐसे हमारा टाइगर था पहले, टाइगर टाइगर की याद आ गई। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं घर की तरफ, मतलब पहुंच रहे हैं, ज़्यादा दूरी है थोड़ी सी दूरी पे, और अभी हम पहुंचे हैं इधर रास्ते, अभी हम आ रहे हैं ऊपर वाले पहाड़ से नीचे की तरफ, तो वही चीज़ हम देख रहे हैं, ये कुछ और तो जा रही है, और वो रहा मेरा घर सामने दिख रहा है हल्का हल्का। तो गाइस अब हम पहुँच चुके हैं घर पर, पूरा हमने दिखाया ऊपर का गाँव, और अभी हम यहीं पहुँचे हैं, और अब हम वो रहा मेरा घर पहुँचते हैं, फिर थोड़ी देर आराम करते हैं फिर चलते हैं। शाम को दूसरी पार्टी में, एक पार्टी हो गई, अब देखो मेरे घर से कहाँ था और हम किधर से घूम के आए। इधर से गए थे हम पीछे की तरफ ऊपर वाले पहाड़ में, जो पहाड़ एकदम चोटी दिख रही है ना वहाँ तक हम गए थे, यहाँ पे मेरी उंगली है इधर पे, फिर वहाँ से हम ऐसे नीचे की तरफ आए थे, फिर हम इधर गए थे, फिर वहाँ से हम नीचे की तरफ फिर ऐसे आए थे, और इस वाले रास्ते से अभी मैंने जो अपना घर दिखाया था वो यहाँ से दिखाया था अभी मैंने अपना घर, और यहाँ से घूम करके फिर वापस आ गए, पहुँच गए अपने स्वीट होम में। और ये रही छत, यहाँ देखो धूप में भी घूमने में मज़ा आता है। सो गाइस गुड इवनिंग, और अभी हो चुकी है शाम, देखिए मेरे पीछे धूप किधर चली गई, अभी हो रहा था इतनी तेज़ धूप, पीछे की तरफ देख सकते हैं किस तरह का माहौल इस समय हो गया है, ठंडक लगने लगी है, आज जो थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है तो उससे भी माहौल अभी ठीक है, दिन में थोड़ी सी गर्मी थी हल्की सी, लेकिन यहाँ पता है जैसी गर्मी होती है ना, जिस दिन पसीना आया उस दिन समझ लो कि या तो हवा चलेगी या तो तूफ़ान आएगा या तो हल्के से बारिश होगी, वो एकदम होना है तो होना है। और चलते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ, और अभी हमको चलना है थोड़ा सा सामान लेने के लिए, डेली डेली सामान ही लेने जा रहे हैं, अब कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है यार घर के लिए, जब भी कुछ ना कुछ लेना होता है तो। सो गाइस मैं दिखाता हूँ आपको छोटा सा अनार का पेड़, ये रहा अनार का पेड़, और जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसे फूल वूल आ चुका है अच्छे से,
अब चाय पीने के लिए। और ये हमारी टी पार्टी, ये टी पार्टी होगी। तो गाइस चलते हैं, हम दुकान की तरफ हो गई बहुत बात, अब चलते हैं। सो गाइस अभी मैं आया हूँ इधर चाची से मिलने के लिए। ये हमारी चाची जी अभी पानी लेके जा रही है, पानी की यहाँ दिक्कत हो रही है अब यही। और सीन देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम आए हैं घर पे, आज पूजा थी ना, तो प्रसाद उसाद बांटे हैं। मम्मी अभी मिले रास्ते में, तो प्रसाद बांटने के लिए इधर आए हैं। यहाँ तो कुंडी लगी है, कोई है नहीं लगता है। चलते हैं अंदर, यहाँ डॉगी भी रखा था, डॉगी भी था। मिलते हैं ऐसे ताई जी, और यहाँ ताई जी से मिलने के लिए आए थे। अरे बान लगन जा। सो गाइस अब हम चल रहे हैं थोड़ा सा दुकान की तरफ, और अभी प्रसाद वगैरह देख के आ गए हैं। हम शाम को जाना है इधर पार्टी में, यहाँ पे हो रही है एक छोटी सी पार्टी, तो बस आएंगे खाना वाना खाने के लिए। ये लगा रहे हैं यहाँ पे बल्ब, ये मेरी चाची, काम हो रहा है। चेहरा छुपा दिया भी हो रहा है यहाँ पे खाना। और ये बैठे हैं चाची जी लोग, सब लोग लाइन से बैठे हुए हैं। अब ये हैं बर्बियोली दो लोग। हाँ खाना हो गया, अभी चल रहे हैं हम रात को घर की तरफ। और ये है पूरा अंधेरा ये। सो गाइस पहुँच चुके हैं हम अपने घर की तरफ, और मिलते हैं अब आपको कल। और आज का ब्लॉग बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।